हालिया जानकारी के मुताबिक जल्द ही ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए मुंबई के हीरानंदानी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ की जमीन मांगी है। इसके लिए कंपनी की ओर से अथॉरिटी को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने की कंपनी ने इच्छा व्यक्त की थी, जिस पर प्राधिकरण ने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत सरकार के पास आवेदन दाखिल कर दिया है। निजी कंपनी ने अपने जरूरतों के बारे में भी प्राधिकरण को बता दिया है। इस इकाई के लिए कंपनी को पहले चरण में प्रति घंटे 2 लाख लीटर पानी और तीसरे चरण में 7.5 लाख लीटर पानी की जरूरत और साथ ही साथ 50 मेगावाट की बिजली की जरूरत भी होने वाली है। कंपनी को पहले चरण में 2500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है, जिसे सभी मंजूरी मिलने के बाद 24 महीनों के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस परियोजना से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। खैर, अब ये सेमीकंडक्टर नाम बोलने, देखने या फिर सुनने में आपको मामूली लग सकता है, लेकिन ये छोटी सी चिप टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करती है, जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो क्या है ये सेमीकंडक्टर जो इतना अहम है, आइए बताते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बीच की एक कड़ी है, जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या यूं कहें कि करंट दौड़ने की क्षमता मेटल और सेरेमिक्स जैसे इंसुलेटर के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या फिर किसी कंपाउंड जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड का बना हो सकता है। सेमीकंडक्टर को बनाने की एक खास विधि होती है, जिसे हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव कर दिया जाता है। अब आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल न हो। इस वजह से सेमीकंडक्टर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसकी अहमियत जाननी हो तो ये सोचकर देखिए कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो तो क्या होगा। एक तरह से चारों ओर सन्नाटा, इस सन्नाटे को तोड़ने में ये सेमीकंडक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये अगर ना हो तो हमारे पास रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि मेडिकल के क्षेत्र में कई डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी नहीं होंगे। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका सेमीकंडक्टर ही निभाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसकी अहम भूमिका होती है और बिना इसके इन उत्पादों की कल्पना भी बेकार है। दुनिया के 170 से ज्यादा उद्योग इसी पर टिके हुए हैं। ताजे आंकड़ों के अनुसार भारत भी अभी अपनी जरूरत के मुताबिक 1.20 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर आयात कर रहा है। अब चूंकि दुनिया के ज्यादातर उद्योग और चौथी औद्योगिक क्रांति इसी पर निर्भर करती है, तो हमारे देश में भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत का पहला प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के एक जॉइंट वेंचर के तहत किया गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।